गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर गुड इन हेल्थ एट योर होम. वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12 ऑफ योर ईवीएस बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इफ इट फिनिशेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. एज द नेम शोज, व्हाट इफ इट फिनिशेस. सो ऑल ऑफ यू आर you know confused or all of you are curious to know what does it refers to. As you can see in the previous picture that there is a drop of petrol and few vehicles are running on the road, it means you can predict that this chapter may be related to fuel, petrol and these vehicles. जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें पेट्रोल के ड्रॉप हैं, कुछ व्हीकल्स हैं रोड पे, तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड होगा. नाउ इट का क्या मीनिंग है? द वर्ड इट रेफर्स टू द पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल विच इज अ फॉसिल फ्यूल दैट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. जो इट है यहाँ पे पेट्रोलियम से रेफर करता है, कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं, जिसको जब हम रिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद हमें बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसका एक प्रोडक्ट पेट्रोल एंड डीजल भी हैं. तो हम यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए इट रेफर कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि क्या होगा अगर ये ख़त्म हो जाए? इसीलिए, बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. इसको मिलियन ईयर्स लगते हैं बनने में, और हम इतनी तेज़ी से इसको यूज़ कर रहे हैं, इतने व्हीकल सड़क पे जा रहे हैं और वो सब फ्यूल से चलते हैं, और अगर हम इतनी तेज़ी से इसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ये ख़त्म हो जाएगा. जितनी तेज़ी से यूज़ हो रहा है उतनी जल्दी बन नहीं रहा है. तो अगर तुम्हारी मम्मी भी अगर रोटी बनाती हैं और अगर तुम 10 आदमी खाने बैठ जाओ एक साथ, तो ऑब्वियसली वो रोटी ख़त्म हो जाएगी और तुम सबको एक साथ नहीं मिल पाएगा. तो जितना उसका यूज़ अगर तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है बनने के कंपैरिजन, तो वो चीज़ ख़त्म हो सकती है जल्दी, क्योंकि उसको बनने में बहुत टाइम लगता है. सो व्हेन इट हैज़ वी हैव यूज्ड इट ऑल अप, वी कैन नॉट क्विकली गेट मोर. और अगर ये जल्दी ख़त्म हो जाता है तो हमें तुरंत ये नहीं मिलेगा. इसीलिए कहा जाता है कि हमें ये बहुत ही समझदारी से यूज़ करना चाहिए, ताकि ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सेव हम कर सके. वी शुड यूज़ द पेट्रोलियम वेरी वाइजली सो दैट वी कैन सेव इट फॉर आर नेक्स्ट जनरेशन. स्टडीज रिवील दैट द एग्जिस्टिंग सप्लाईज विल रन इन आउट इन 50 ईयर्स टाइम. सो Isn't it high time to think what if it finishes? तो आपको क्या लगता नहीं है कि इस समय ये सोचने का है कि क्या होगा अगर ये ख़त्म हो जाए? So this is 110, the first page of this chapter, a bus journey. What you can see? You can see a road where many vehicles are running. You can see the traffic light, you can see the traffic police, you can see the scooters, you can see the car, you can see the bus, the traffic man, the traffic police, the rickshaw, and so many vehicles on the road. Then all these things you can see on the road. What you can see? You can see the policeman here, all the vehicles which are running on the road. इसके अलावा यू कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल्स ऑल्सो. तो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में पता भी होना चाहिए. ओके, तो देयर आर मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच रन ऑन द रोड. सो लेट्स रीड दिस वंस. टुडे वी वर गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप to Adala Stepwell, Bauli. Stepwell, I have already told you that the well where we can reach the water by using the steps. हम step के जरिए पानी तक पहुँचते हैं. We will not use the rope and the bucket to carry out or pull out the water. हमें पानी निकालने के लिए rope और bucket की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो इसमें दिखा रहा है कि वो बता रहा है कि ये बच्चे जो हैं वो स्कूल ट्रिप पे जा रहे थे अदालाज स्टेपवेल, जो कि गुजरात में है अहमदाबाद से 18 किलोमीटर. नाउ वेयर इज दिस अहमदाबाद? इट इज़ इन गुजरात. वी बिगिन द बाईसाइक काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. तो बच्चे क्या करते हैं, जब भी ट्रिप पे जाते हैं तो वो विंडो से देखते हैं और उसमें से बाईसाइकल्स और मोटरसाइकिल्स, तो उसमें से देखते हैं रोड पे, उन्हें काउंट करने लगते हैं. तो कुछ बच्चे बाईसाइकल्स काउंट कर रहे थे, कुछ बसेस, कार एंड मोटरसाइकिल. अब्राहम वॉज काउंटिंग बाईसाइकिल. अब्राहम जो था वो बाईसाइकिल काउंट कर रहा था.
एंड सून गॉट बोर्ड, और तुरंत बोर हो गया बिकॉज वो बाईसाइकिल उसको उस हाईवे पे मिल ही नहीं रही थी। क्रिस द ड्राइवर सडनली ब्रैक्ड द रेड लाइट, इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग वेयर वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल द साइड्स। तो वहीं पे वो रुका वो बस, और उसने देखा कि चारों तरफ पूरी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। Honk, honk, the sound of the loud horns and the smoke coming out of the vehicles. Maybe that is why a little boy in the rickshaw was coughing so much. तो उसने देखा कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, टी 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 टी, मतलब किसकी, हॉर्न की। आप सब भी जब जाते हैं जाम लग जाता है, इतनी हॉर्न की आवाज़ आती है, वो कितनी इरिटेट करती है, और बहुत से स्मोक भी आ रहा था गाड़ियों में से, धुआं काला काला, जिसके कारण रिक्शे में एक बच्चा जो बैठा था वो बहुत ज़्यादा कॉफिंग भी कर रहा था, बहुत खांस रहा था। आई स्मेल समथिंग फैमिलियर एंड आई रिमेंबर दिस द स्मेल, इट केम फ्रॉम द बाबा ट्रैक्टर इन द विलेज। और मुझे तभी एक बहुत ही ऐसा स्मेल मिला जो हमने अपने बाबा के ट्रैक्टर में गाँव में सूंघा था। नाउ ये तो ये हम बहुत से ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो ये हमने देखो, अब जो हमने ट्रांसपोर्ट में देखा, दैट मे हैव टू व्हील और थ्री व्हील। अगर उन उसमें जो भी हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, अगर उसमें टू व्हील्स हैं, दो व्हील्स हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, टू व्हीलर्स। अगर थ्री व्हील्स हैं तो उनको बोलेंगे थ्री व्हीलर्स। तो अगर आपको कोई थ्री व्हीलर बोल रहा है तो आप समझ जाना वो ऑटो रिक्शा है या रिक्शा है, और अगर वो टू व्हील बोल रहा है तो साइकिल, बाइक, बुलक कार्ट, जिसमें दो व्हील्स होते हैं, ठीक है। और बाकी व्हीकल्स होते हैं जिसमें मोर देन थ्री व्हील्स होते हैं। नाउ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही बेसिक थिंग है दैट यू ऑल हैव स्टडीड, दिस इज़ जस्ट टू रिमाइंड यू। जो ये ट्रांसपोर्ट्स हैं, गिव मी, अगर मैं आपको जितने एग्जाम्पल बताऊँ ट्रांसपोर्ट जो हम यूज़ करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जस्ट टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हम कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, और हमारा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना किस पे डिपेंड करता है कि हमें, हमारे पास कितना टाइम है और हमारा डिस्टेंस कितना है जो जाना है। जैसे अगर मुझे यहाँ से मसरत के मार्केट में जाना है तो मैं पैदल भी जा सकती हूँ, आई कैन वॉक ऑन माई फूट। और अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आई कैन यूज़, वेरी गुड, आई कैन यूज़ कार, आई कैन यूज़ बस, आई कैन इवन गो बाई ट्रेन और बाई एरोप्लेन। सो एरोप्लेन और ट्रेन में जाऊँगी, क्या डिफरेंस होगा? एरोप्लेन में मुझे डेढ़ से दो घंटे लगेंगे, और ये जो हमारा ट्रेन है उसमें मुझे 12 से 16 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टाइम है वो बचेगा अगर हम बाई एयर जाते हैं तो। तो एयर इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो जो भी ये ट्रांसपोर्ट है दैट कैन रन इन वाटर और ऑन लैंड और इन एयर, चाहे वो हवा में जाती हैं, पानी में जाता है या लैंड में जाता है। तो जो लैंड पे चलता है दे आर लैंड ट्रांसपोर्ट, जो वाटर पे जाता है दैट इज़ वाटर, एंड जो एयर पे जाता है दैट इज़ एयर। सी दिस, यू कैन सी दिस ऑल आर लैंड ट्रांसपोर्ट दैट इज रनिंग ऑन द लैंड, दीज आर वाटर, दिस रन इन वाटर एंड दीज आर एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ कमन पेज नंबर 111 दैट हैव सम क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। द फर्स्ट वन इज़ वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। सी आई हैव रिटन द आंसर, यू कैन राइट एट योर ओन, ये बहुत ईजी है। पिक्चर में से देख के आपको उन व्हीकल्स के नाम लिखने हैं जो दिख रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द आंसर बिकॉज यू ऑल आर ऑलरेडी कैपेबल टू राइट द आंसर, बट जस्ट लुकिंग इन द पिक्चर, यू लुक इन द पिक्चर एंड राइट द आंसर द व्हीकल्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर विच इज़ गिवेन ऑन 110। वॉट यू थिंक दे नीड एज फ्यूल नाउ? अब जो जो गाड़ी जा रही है तुम्हें क्या लगता है उनमें क्या क्या चाहिए? तो देखो, जो तुम साइकिल रिक्शा देख रहे हो और साइकिल देख रहे हो, दे डू नॉट नीड एनी फ्यूल, वो बस मस्कुलर पावर से, जो हम अपना पावर लगाते हैं उसी से चलते हैं। बट बाकी जो व्हीकल चलते हैं दे नीड इधर पेट्रोल और डीजल एज देयर फ्यूल। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द व्हीकल्स डू यू थिंक दे गिव ऑफ स्मोक? कौन देता है स्मोक? आपको उस पर रेड मार्क लगाना है। देखो, साइकिल को छोड़ के जिसमें भी पेट्रोल और डीजल लग रहा है वो स्मोक दे सकते हैं। तो आपको साइकिल को छोड़ के बाकी सब पे रेड मार्क लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? ये आपको अपने आप ही करना है।
कि आपके फैमिली मेंबर्स कैसे जाते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन यू हैव स्मोक कमिंग आउट द व्हीकल्स, व्हीकल से जो स्मोक आता है उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, उससे आपको क्या हो सकता है, कफिंग हो सकती है, ऐसे वॉमिट जैसे जो मन क्या बोलते हैं जो मितली होती है वो हो सकती है, देन हेडेक हो सकता है, रेस्पिरेटरी लंग की डिजीजेज हो सकती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि आपको एलर्जी हो सकती है, हेडेक, लंग डिजीज एक्सेट्रा। सो द आंसर इज द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल कैन कॉज कफिंग, नोज, या हेडेक। एक और क्वेश्चन था कि नॉइज से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैं आई थिंक भूल गई हूँ, तो यू विल राइट क्या क्या हो सकती है। नॉइज से भी आपको हेडेक भी हो सकता है, ठीक है। हेडेक के अलावा इसके हियरिंग इम्प्योरमेंट हो सकता है बेटा, तुम्हें हियरिंग लॉस हो सकता है, तुम्हें उसकी भी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद तुम्हारा स्लीपिंगलेसनेस हो सकता है, जो ये नींद की कमी है वो हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें आप लिख सकते हो। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, रोड्स आर मेनली फाइव टाइप्स, जो पांच तरीके के हैं, एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड। तो अगर हम छोटे से शुरू करते हैं, हम विलेज में रहते हैं, सबसे पहले विलेज में देखते हैं, तो दिस इज द विलेज रोड। ये विलेज रोड जो होगा दैट इज़ रूरल रोड, उससे देखेंगे कि जो हमारे गांव को जिलों से जोड़ता है, डिस्ट्रिक्ट से, दैट विल बी डिस्ट्रिक्ट रोड। देन हमारे स्टेट में जो एक टाउन को दूसरे टाउन से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज स्टेट हाईवे, जिसको हम SH कहते हैं। उसके बाद आता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से ज्वाइन करता है, उसको हम NH कहते हैं, नेशनल हाईवे, जिसको हम SH कहते हैं। और लास्ट में आता है एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवेज क्या होते हैं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को आपस में जोड़ते हैं, जैसे दिल्ली लखनऊ, ये दिल्ली लखनऊ, देन ये पटना एक्सप्रेसवे है, उसके बाद लखनऊ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो ये एक्सप्रेसवे जो है वो रोड्स को, वो सिटीज़ या टाउन्स को जो हैं वो डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी से जोड़ते हैं। लेट्स स्टडी मोर अबाउट इट। एक्सप्रेसवे, दीज आर सजेस्टेड इन द थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान, दे आर यूज टू कनेक्ट द मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। दे हैव द हाईएस्ट डिज़ाइन ऑफ स्पीड एंड दे शुड हैव एटलीस्ट फोर लेंस। इसमें फोर लेंस होते हैं, देखो ये जो अगर ये रोड है ना, तो इसमें टोटल चार लाइन्स होंगी, चार लाइनें होंगी, 1, 1, 2, 3, 4, एटलीस्ट इसमें फोर लेन होता है एक्सप्रेसवे में, ठीक है। नेशनल हाईवे जो होते हैं ये हर जगह होते हैं, हर देश के कोने कोने में हैं। दे कनेक्ट द नेशनल कैपिटल्स जो हैं उनको जोड़ते हैं, हर स्टेट के कैपिटल्स को, मेजर सिटीज़ को एक दूसरे से जोड़ते हैं। दे शुड हैव एटलीस्ट टू ट्रैफिक लेन्स होते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है बच्चों, जो टू ट्रैफिक लेन्स हैं, एक इस साइड एंड एक इस साइड। देन दे हैव एक्सेलेंट स्ट्रेंथ टू कैरी हैवी ट्रैफिक, कैरी करने मतलब बहुत अच्छी बनावट होती है कि उस पर बहुत हैवी व्हीकल्स आराम से जाए। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस जो होता है इसका, नेशनल हाईवेज का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। स्टेट हाईवे का जो मेंटेनेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ये भी दो लेन होते हैं और ये जो होते हैं ये मेन टाउन्स को, सिटीज़ को आपस में नेशनल हाईवे से जोड़ते हैं और आपस में जोड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो रोड होते हैं, दे प्रोडक्शन एरिया मार्केट्स विद द स्टेट्स के प्रोडक्शन एरिया, NH हाईवे, स्टेट हाईवेज और NH हाईवे और रेलवे से जोड़ते हैं। दे आर सिंगल मेटल लेन, जैसे पिक्चर्स देख रहे हैं बेटा वो उन्हीं रोड्स के दिए हुए हैं, जैसे कि जो पुराना वाला पिक्चर था पीछे वाला, ये देखो ऐसा डिस्ट्रिक्ट रोड्स होता है। देन दिस इज द विलेज रोड, दे आर लोकल डिस्ट्रिक्ट रोड, दे आर जनरली स्टेब्लिश अर्थ रोड्स बट मेटल सरफेस प्रेफर्ड। ये मिट्टी वाले रोड भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कॉन्क्रीट रोड्स भी होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, इतना ही था आज के लिए। जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं मैंने वो कर लीजिएगा आप लोग, एंड रीड जहाँ तक मैंने बोल में 0 पेज पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसके क्वेश्चन आंसर्स अपने से लिख के मुझे सेंड करना है। थैंक यू सो मच।